नमस्कार तो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एल्जरिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज सबसे पहली चीज एल्जरिक एक्सप्रेशन मीन्स दिस इज समवेयर रिलेटेड टू एल्जरा अब एल्जरा में हम अगर शुरुआत करते हैं तो जरा टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं एक होगी कांस्टेंट और एक होगी वेरिएबल और यहीं से पूरी शुरुआत होगी एल्जबरा की कांस्टेंट और वेरिएबल क्वांटिटीज से तो हम शुरू करते हैं एल्जरिक एक्सप्रेशंस लेकिन एल्जरिक एक्सप्रेशंस तक कहाँ से पहुंचेंगे हम देखते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी एंड वेरिएबल क्वांटिटी कॉन्स्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो और वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे अब कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आप वैसे भी देखते हैं आपने शुरुआत से जो नंबर्स पढ़े हैं नंबर सब के सब कांस्टेंट होते हैं अगर हम जनरल लाइफ में से देखें तो जनरल लाइफ में हम देखेंगे जिस टेबल पे आप बैठते हो स्कूल में दैट इज़ कांस्टेंट क्वांटिटी हाइट ऑफ दैट टेबल दिस इज कांस्टेंट है ना अच्छा अगर आप पेन यूज़ कर रहे हो यूज कर रहे हो तो उसकी इंक लगातार कम होगी लेकिन अगर पेन को यूज नहीं कर रहे हो तब क्वांटिटी ऑफ द इंक दिस विल बिकम ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अगर पेन नहीं यूज़ कर रहे तो कांस्टेंट क्वांटिटी और अगर पेन आप यूज़ कर रहे हो जितना जितना चला रहे हो उसकी इंक अपने आप से कम होती चली जा रही है कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर हाइट ऑफ द चाइल्ड इवन आपकी भी हाइट या आपका की एज एज ऑफ ए चाइल्ड ये कंटिन्यूस हर पल चेंज होती है हमारी भी एज हर पल चेंज होती है तो एज इज ए वेरिएबल क्वांटिटी अच्छा बच्चे की जैसे जैसे एज चेंज होगी तो उसकी हाइट भी चेंज होगी और हाइट चेंज होगी तो उसका वजन भी चेंज होगा है ना तो हाइट इज डिपेंडिंग ऑन द एज एंड अगेन इफ एज इज चेंजिंग देन हाइट इज चेंजिंग हाइट इज चेंजिंग देन वेट ऑफ द चाइल्ड इज ऑल्सो चेंजिंग तो हम कॉन्स्टेंट क्वांटिटी मतलब ये नंबर्स होते हैं तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज ये नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है तो हियर वी कैन राइट वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज वैल्यू इज फिक्स्ड और यहां पे वेरिएबल क्वांटिटी में वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग वैल्यू कीप्स ऑन ठीक है तो इसमें वैल्यू चेंज होती रहती है इसमें अच्छा अब जहां पे वेरिएबल क्वांटिटीज को इन जनरल हम एक्स वाई जेड वगैरह से डिनोट करते हैं और तो ये एक्स वाई जेड इस तरह के लेटर से इन जनरल हम डिनोट करते हैं और फिक्स्ड क्वांटिटी ये कांस्टेंट क्वांटिटी ये नंबर्स होते हैं या कभी कभी हम इनको ए बी और सी से भी डिनोट करते हैं है ना तो अब एल्जरिक टॉम क्या होती है अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें जैसे हम अगर टू या ये देखिए थ्री के साथ में एक्स को ये कंबाइन कर दिया यहाँ पे फाइव अपॉन थ्री एक्स एंड वाई तो ये दोनों वेन कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी एंड वेरिएबल क्वांटिटीज आर कम्बाइंड वी गेट एल्जेबरिक टर्म तो एल्जेबरिक टर्म के लिए आपको कॉन्स्टेंट और वेरिएबल दोनों को कंबाइन करना है है ना ऐसे ही अगर हम ले लिखें फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर एक्स एक्स खुद को वेरिएबल है एक्स स्क्वायर भी वेरिएबल क्वांटिटी है तो यहाँ पे फोर के साथ में इसको कंबाइन कर दिया वाई एक वेरिएबल है जेड दूसरा वेरिएबल इन दोनों को कंबाइन कर दिया और इनके साथ में अब आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट तो है ही नहीं लेकिन कॉन्स्टेंट है वो है वन अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वन इन क्योंकि वन किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाता है है ना सो दिस इज दिस इज एल्ज्रिक टर्म अब जब इन एलजब्रिक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे तब ये बनता है एल्ज्रिक एक्सप्रेशन

अब आपको फिर से यहाँ पे एक्चुअली लग रहा होगा कि ये फाइव तो कांस्टेंट टर्म है है ना तो ये एल्जेब्रिक टर्म कहाँ है एक्चुअली अभी जब आप एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ये चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वन को एक्स टू पावर ज़ीरो लिख सकते हैं या वाई टू पावर ज़ीरो किसी भी वेरिएबल की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो वन होता है है ना तो कांस्टेंट के साथ में भी इंटू वन लिख सकते हैं फाइव के साथ में हम फाइव के साथ में इंटू वन लिख सकते हैं थ्री के साथ में इंटू वन लिख सकते हैं और वन मतलब क्या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर जीरो है तो वो वन के बराबर होगा मतलब अगर हम सिर्फ ये नंबर्स भी लिख रहे हैं इसके साथ में किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो लिख दें तो वो एल्जरिक टर्म बन जाएगी है ना सो वैन दीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऐसे फोर एक्स वाई प्लस सेवन सो दिस विल ऑल्सो बी एलजरिक एक्सप्रेशन है ना अब देखिए यहां पे टू एक्स मतलब एक वेरिएबल है अब वेरिएबल यू उसकी वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है तो जब अगर हम नंबर लाइन में लेंगे नंबर लाइन में लेते हैं तो वन एक फिक्स्ड नंबर एक फिक्स्ड लेंथ है है ना टू तो टू के लिए टू तक जीरो से लेके टू तक ये भी एक फिक्स्ड लेंथ है फिर जीरो से थ्री तक ये भी एक फिक्स्ड लेंथ है लेकिन इनके बीच में वन 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 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है लेकिन अगर हम किसी वेरिएबल को नंबर लाइन के अंदर वो करेंगे तब तो वेरिएबल कितना भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है है ना लेकिन वो एक बार हमने जो भी वेरिएबल को फिक्स कर लिया तो टू टाइम्स वेरिएबल क्या हो जाएगा उतना ही डिस्टेंस दो दो बार ले लो या थ्री एक्स क्या हो जाएगा उतना ही डिस्टेंस तीन बार ले लो तो हम नंबर लाइन में भी इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो चलिए अब हम देखेंगे कि नंबर लाइन के अंदर इनको कैसे एक्सप्रेस करना देखिए यहाँ पे नंबर लाइन एंड एन एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पे एक्स प्लस फाइव है अगर ठीक है अब एक्स जो है एक वेरिएबल है तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसको हम एक्स बना दें और फिर उसके बाद में प्लस फाइव यूनिट्स हम डिस्टेंस ले लें तो x प्लस फाइव को हम नंबर लाइन के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ ज़ीरो से शुरू करेंगे जीरो से पहले एक्स डिस्टेंस ले लिया फिर फाइव डिस्टेंस ले लिया ठीक अच्छा अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ हो इस तरह का फोर एक्स प्लस फाइव अब इसमें देखिए यहाँ तो एक ही बार एक्स लिया था अब इसमें अगर हमारा ये डिस्टेंस एक्स है तो 4x मतलब ये डिस्टेंस हमको चार बार लेना पड़ेगा तो ये एक बार दो बार तीन बार चार बार तो ये यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 4x को रिप्रेजेंट करेगा और इसके बाद में 5 जो भी कांस्टेंट डिस्टेंस है 5 भी ले लो तो यहाँ से ओ से लेके डी तक ये जो लेंथ होगी दिस विल रिप्रेजेंट फोर एक्स प्लस फाइव है ना चलो आगे देखें शो ऑन नंबर लाइन टू एक्स प्लस वन ये एग्जांपल है एंड थ्री एक्स माइनस टू इसको हमको एक्सप्रेस करना है तो सबसे पहले हम इसको देखें टू एक्स प्लस वन तो इसके लिए टू एक्स प्लस वन इसको हमें एक्सप्रेस करना है तो हम ये नंबर लाइन ले लें इसमें शुरुआत हो रही है जीरो से ये तो फिक्स्ड है तो ये नंबर लाइन नहीं एक्चुअली ये हो जाएगा आ, रे बनी हुई है ये है ना क्योंकि जीरो एक जगह फिक्स है सो so, अब इसमें 2x अगर हम ये डिस्टेंस मान लें कि यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये अगर x लें दिस डिस्टेंस से x तो ये डिस्टेंस हम ये डिस्टेंस इतना है ये ले लें तो ये भी एक्स ये भी एक्स तो यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा दिस विल बिकम टू एक्स अगर दो बार लिया तो है ना और उसके बाद में प्लस वन तो प्लस वन अगर हमको करना है अगर यहाँ से यहां तक ये डिस्टेंस वन है ये डिस्टेंस अगर वन है तो ये ए पॉइंट अगर लें ये बी पॉइंट लें और ये सी पॉइंट लें तो ये सी पॉइंट दिस विल रिप्रेजेंट ये 2x एक्स प्लस वन को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है 2x एक्स प्लस वन को ये रिप्रेजेंट करेगा अच्छा अगर इसकी जगह 3x एक्स माइनस टू हमको लेना है तो 3x एक्स माइनस टू ये अगर हमको लेना है तो इसके लिए पहले ये ऑरिजिन से शुरू किया ये नंबर लाइन अगर हम लें अब इसमें भी अगर ये डिस्टेंस एक फिक्स लें एक्स ठीक है तो ये होगा यहाँ से एक्स दूसरा एक्स और ये तीसरा एक्स ए पॉइंट पे आया तो एक्स हो गया बी पे आया तो टू एक्स हो गया सी पे आया तो थ्री एक्स हो गया ठीक है यहां से लेके अगर ये डिस्टेंस हमने लिया एक्स तो ये एक्स ये एक्स ये एक्स मीन्स नाउ दिस विल बिकम एक्स। अब यहाँ पे माइनस टू है अब माइनस टू है तो हमारे को जब प्लस टू होता है तो आगे राइट साइड बढ़ते हैं अगर माइनस है तो हम लेफ्ट साइड में प्रोसीड करना चालू करेंगे अब देखिए अगर मान लो यहाँ पे ये पॉइंट डी पॉइंट ये डिस्टेंस अगर वन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वन है तो हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक ये वन आया और इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे और इधर ले लें तो ये वन ये वापस इधर से इधर आ रहे हैं यहां से रिटर्न होके आ रहे हैं तो ये D और ये अगर पॉइंट E है ये पॉइंट E है तो E पॉइंट विल रिप्रेजेंट 3x और माइनस टू तो देखिए एक बार फिर से देख लें पहले x x और x तीन बार किया तो ये हो गया 3x और अब हमको माइनस टू करना है तो वन डिस्टेंस पीछे वापस पीछे पलटे और यहां पे पीछे आए वन और फिर वापस वन सो दिस पॉइंट ई दिस वेल रिप्रेजेंट टू एक्स माइनस थ्री ठीक है तो इस तरह से हम कोई से भी नंबर को हम यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में वेरिएबल्स भी और कांस्टेंट्स तो हम कर ही सकते हैं कांस्टेंट्स के लिए तो नंबर लाइन होती ही है है ना तो वेरिएबल के लिए जो डिस्टेंस होगा वो वेरी करेगा लेकिन एक बार हमने एक्स जो ले लिया फिक्स तो उतना टू एक्स थ्री एक्स के लिए उतना उतना डिस्टेंस हमको आगे या पीछे लेना पड़े तो जब हमने एल्जेबरिक टर्म्स को एड या सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास में एलजेबरिक एक्सप्रेशन आया था अब एल्जेबरिक एक्सप्रेशन के अंदर तो ये एक्स की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और एक्स की पावर नेगेटिव भी हो सकती है मतलब क्या कि ये 2x एक्स भी दिया हुआ हो सकता है और 2 अपॉन एक्स भी हो सकता है अगर अपॉन में आया इसका मतलब एक्स की पावर नेगेटिव हो गई इवन वेरिएबल क्वांटिटी जैसे हमने एक्स स्क्वायर देखा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स ये भी वेरिएबल क्वांटिटी होगी मतलब लेकिन स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है एक्स की पावर वन अपॉइंट टू थर्ड रूट ऑफ एक्स या क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स की पावर वन अपॉइंट थ्री तो x की पावर वन अपॉइंट थ्री वन अपॉइंट टू माइनस वन माइनस टू ये कुछ भी हो सकती है एल्जेबरिक एक्सप्रेशन में लेकिन जब एल्जरिक एक्सप्रेशन में x एक्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर अगर हो नॉन नेगेटिव इंटीजर अब देखिए नॉन नेगेटिव मतलब हम नेगेटिव नहीं ले सकते पावर नेगेटिव नहीं ले सकते इसका मतलब वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स क्यूब इस तरह की टर्म नहीं ले सकते ठीक है तो नॉन नेगेटिव और फिर इंटीजर इंटीजर मतलब फ्रैक्शन नहीं ले सकते फ्रैक्शन नहीं ले सकते मतलब पावर वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट थ्री थ्री अपॉइंट फोर इस तरह की पावर वेरिएबल क्वांटिटी की नहीं ले सकते अगर हम ये नहीं ले सकते तो जो एल्जेबरिक एक्सप्रेशन होगा वो बन जाएगा पोलिनियल ठीक है तो पॉलिनोमियल क्या है पोलिनॉम्यल एल्जेबरिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर नॉन-नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होती है वेरिएबल क्वांटिटी की ठीक है तो पॉलिनोमियल के लिए एक तो पहली चीज नेगेटिव पावर नहीं ले सकते और दूसरा फ्रैक्शन में पावर नहीं ले सकते आपने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ा हुआ है इसका मतलब होता है एक्स की पावर वन अपॉइंट टू स्क्वायर रूट क्यूब रूट मतलब एक्स की पावर वन अपॉन थ्री तो ये पावर फ्रैक्शन में नहीं होना तो ये पॉलिनोमियल हो जाता है तो यहाँ अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल तो वो लास्ट में लिखा ही हुआ है तो देखिए सबसे पहले अगर हम पॉलिनोमियल को ही देखें एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स विथ नॉन-जीरो रोफिशियंट विथ वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना तो एक्सपोनेंट्स मतलब उसकी पावर नॉन नेगेटिव और इंटीजर होनी चाहिए तब हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं अब पॉलिनोमियल के अंदर भी उसके टाइप्स होंगे अब देखिए हमने तो ये बोला एक्सप्रेशन है ये एल्जेबरिक एक्सप्रेशन हैं जिसके अंदर ये कंडीशन ली अब एलजेबरिक एक्सप्रेशन के अंदर तो कई सारी टर्म्स हो सकती है लेकिन अगर उसमें केवल एक टर्म होगी तो उसको बोलेंगे मोनोमियल अगर उसमें दो टर्म्स होंगी तो हम उसको बोलेंगे बाइनोमियल अगर उसमें तीन टर्म्स होंगी तो हम बोलेंगे ट्राइनोमियल और अगर उसमें और ज्यादा टर्म्स होगी तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है तो देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल एक टर्म मतलब मोनोमियल अब देखिए एग्जाम्पल्स इसका हो सकता है फोर इन एक्स स्क्वायर या थ्री एक्स वाई ये एक्स स्क्वायर है फोर एक्स स्क्वायर ऐसे ही ये पावर में है टू फाइव एक्स वाई स्क्वायर तो एक ही टर्म है यहाँ पे टेन वाई फिर यहाँ पे माइनस नाइन अब देखिए मैंने बोला था आपको कि अगर केवल नाइन है तो इसको हम माइनस नाइन इंटू वन लिख सकते हैं और इस वन को हम लिख सकते हैं माइनस नाइन इंटू एक्स की पावर जीरो दिस इज नॉट ओनली कॉन्स्टेंट दिस इज विथ वेरिएबल टर्म ऑल्सो है ना इसमें वेरिएबल एक्स टू दावर जीरोन पी सो दीज आर दब इसमें एक -एक हा एक्स इंटू वाई दिया हुआ है तो भी वो सिंगल टर्म होगी लेकिन अगर आपने एक्स प्लस वाई लिख दिया तब इसमें दो टर्म हो गए है ना एक्स माइनस वाई लिख दिया तो भी दो टर्म हो गई लेकिन x इन टू वाई दिस विल बी सिंगल टर्म तो ये हो गया मोनोमियल अब बाइनोमियल बाइनोमियल मैंने अभी हाल आपको बतलाया दो टर्म्स होनी चाहिए सो एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल अब दो होनी चाहिए तो देखिए ये एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल नहीं यहाँ पे बाइनोमियल होना चाहिए बाइनोमियल अच्छा इसके अंदर ये एक एक टर्म हमको कम करनी पड़ेगी एक एक-एक टर्म अगर हम कम कर दें सिर्फ दो टर्म्स ये ली तो ये बाइनोमियल है ये दो टर्म ली तो ये बाइनोमियल है ये दो टर्म लेंगे या ये वाली दो टर्म लें कोई सी भी एक काट दो तो ये बायनोमियल होगा है ना और ट्राइनोमियल के अंदर तीन होंगे तो ट्राइनोमियल मींस एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म्स इज़ ए ट्राइनोमियल तो ट्राइनोमियल के अंदर तीन टर्म्स होना चाहिए ये देखिए ये तीन टर्म्स हैं यहाँ पे भी तीन टर्म्स हैं ठीक है तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइनोमियल इसमें बाइनोमियल होने चाहिए और इसमें एक एक टर्म आप कम कर दो ठीक है फिर पोलिनोमियल जैसा कि हमने देखा पोलिनोमियल मतलब जिसमें तीन से ज्यादा टर्म्स हो सो एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स विथ नॉन जीरो कोइफिशेंट्स

ए पॉलिनोमियल में कंटेन एनी नंबर ऑफ टर्म्स तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी भी हो सकती है वन और मोर देन वन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यहाँ पे तीन से भी ज्यादा टर्म अगर सिर्फ ये है तो ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन इसको बोलेंगे मोनोमियल यहाँ पे ये इसके अंदर दो टर्म हैं तो पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसको बोलेंगे बाइनोमियल ऐसे ही यहां पे तीन टर्म्स हैं सो दिस ऑल्सो ए पोलिनियल बट हैविंग थ्री टर्म्स मीन पर्टिकुलर गिवन ट्राइनोमियल ठीक है अब हम देखेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स तो इन फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो 7x एक्स फोर्टीन एक्स माइनस थर्टीन एक्स फाइव एक्स स्क्वायर सेवन वाई सेवन एक्स वाई माइनस नाइन वाई माइनस नाइन एक्स स्क्वायर और माइनस फाइव वाई एक्स अब इसमें से लाइक like टर्म्स कौन सी होगी देखिए अगर सिर्फ x की टर्म हो तो वो जितनी भी टर्म x में हैं वो लाइक टर्म होगी जितनी वाई में होगी वो एक टाइप की लाइक टर्म्स होगी फिर अगर किसी के अंदर y दिया हुआ हो तो सब y वाली टर्म्स वो लाइक like टर्म्स होगी y स्क्वायर वाली सिर्फ y स्क्वायर की टर्म लेंगे वो लाइक टर्म्स होगी लेकिन ये आपस में अनलाइक होगी तो देखिए जैसे यहां पे ये x है।, है ना यहां पे इसमें भी x है फिर इधर देखें तो इसमें भी इसके अंदर भी x है तो दीज आर लाइक टर्म्स तो देखिए लाइक टर्म्स फ्रॉम दीज आर 7x, 14x फोर्टीन एक्स एंड दीज आर लाइक टर्म्स ठीक है तो x वाली जितनी टर्म वो सब आपस में लाइक टर्म्स है फिर अगर एक्स स्क्वायर की देखें तो ये एक्स स्क्वायर की टर्म है फिर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की टर्म है सो फाइव एक्स स्क्वायर एंड माइनस नाइन एक्स स्क्वायर आर लाइक टर्म्स है ना तो ये नाइक like टर्म्स हो गए और अगर हम यहाँ पे एक्स वाई की टर्म देखें तो ये एक्स वाई की टर्म इधर ये एक्स वाई या वाई एक्स ये चीज एक ही होती है चाहे आप टू इंटू थ्री लिखो या थ्री इंटू टू लिखो बात तो एक ही है है ना तो चाहे वाई एक्स लिखें या एक्स वाई लिखें ये एक ही चीज है तो दीज आर लाइक like टर्म्स तो यहां पे सेवन एक्स वाई माइनस फाइव वाई एक्स दीज आर लाइक टर्म्स देन क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनियल एज मोनोमियल बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल तो इसमें से हमको अगर क्लासीफाई करना है तो देखिए ये तो लाइक like टर्म्स है आपस में लेकिन एक दूसरे के साथ में देखेंगे दीज आर अनलाइक टर्म्स ओके दीज विल भी अनलाइक अब इसमें से अगर हमको मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल चाहिए ये देखिए ये बायनोमियल है दो टर्म्स है ये ट्राइनोमियल है तीन है इसके अंदर भी तीन है तो दिस इज इज ट्राइनोमियल, दिस बाइनोमियल और ये अकेला है, सो दिस विल बी मोनोमियल है ना तो ये डिपेंड करता है कि कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर उस हिसाब से ये मोनोमियल अगर एक टर्म तो मोनोमियल दो बाइनोमियल तीन तो ट्राइनोमियल होगा ओके okay?